छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नए मतदाता अपना नाम जुड़वाने के साथ पुराने मतदाता अपने मतदाता परिचय पत्र के त्रुटियों को सुधरवा सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने पूरे छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची एवं मतदाता परिचय पत्र में सुधार के कार्य हेतु एवं जो युवा अपना 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के साथ अन्य मतदाता सूची एवं मतदाता परिचय पत्र से जुड़े कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए शिविरों का आयोजन कर रही है। इन शिविरों में 18 वर्ष पूर्ण किए हुए युवा अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं और जिन मतदाताओं के मतदाता परिचय पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि है वह भी सुधरवा सकते हैं। साथ ही जिनके मतदाता परिचय पत्र खो गए हैं वह नए मतदाता परिचय पत्र प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा आदेशानुसार हम लोग 5 अभीत अधिकारी यहाँ शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला हाउसिंग बोर्ड में बैठे हैं, जो इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। जो नए मतदाता हैं 18 साल जिनका हो चुका है, जिन बच्चों का, वो अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वा के अपना एपिक कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरे जो जिन मतदाताओं के नाम में त्रुटि है वो अपना नाम यहाँ सुधरवा सकते हैं और उसके लिए फॉर्म नंबर 8 भर सकते हैं। और जिन बच्चे जिस परिवार में किसी की मृत्यु हो चुकी है वे अपना तो उस पारिवारिक व्यक्ति का नाम कटवा सकते हैं फॉर्म नंबर 7 के द्वारा। और यदि किसी का ट्रांसफ़र यहाँ से हो गया है तो एपिक नंबर ट्रांसफ़र होगा। अभी वो ये नहीं है कि आप उसको काटें और फिर जाके जुड़वाएं, सीधे आप उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और इसलिए आप सभी को, सभी से ये अपील की जाती है कि इस जो इस तरह से जो आप बैठे हैं हम लोग, उसका फ़ायदा वो लोग भरपूर तरीके से उठा सकें। मैडम नाम और परिचय बता देंगे? मेरा नाम लिपिका शुक्ला है और मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला की HM हूँ, जो यहाँ पे आज दिनांक 6 तारीख से 6 जनवरी 2024 से 22 जनवरी 2024 तक हमारी ड्यूटी अभीत अधिकारी के रूप में लगाई गई है। सभी वार्डों में इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने आम जनमानस से अपील की है कि अपने घर के पास लगे शिविर में जाकर इसका लाभ जरूर उठाएं। ACN न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।